करंट अफेयर्स की वार्षिक श्रृंखला के दूसरे अंक के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आने वाले समय में देश में और प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होनी है। करंट की आपके चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए हम लोग एक वार्षिक श्रृंखला कर रहे हैं जिसमें पिछले 12 महीने के सभी महत्वपूर्ण करंट को समाहित किया जा रहा है। यह श्रृंखला सेगमेंट वाइज है। जैसे पहली श्रृंखला में हम लोगों ने खेल पर बात किया था, दूसरी श्रृंखला में हम लोग सभी वर्ष भर के पुरस्कारों पर बात कर रहे हैं, चाहे वो साहित्य से संबंधित हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, खेल से संबंधित हो, सभी पुरस्कारों को लेकर लगभग 34 पुरस्कारों पर हम लोग बात करेंगे। और 15 मार्च तक के करंट को इसमें समाहित किया गया है। 15 मार्च 2021 तक के करंट को इसमें ले लिया गया है। पिछले 12 महीने या 12 महीने से पहले भी जो ऐसे पुरस्कार थे जो एक या दो वर्ष में एक ही बार मिले हैं, उन पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई है, उसको भी समाहित किया है। जब वीडियो प्रारंभ हुआ तो आपने स्लाइड के माध्यम से देखा होगा कि बहुत सारे बैच हमारे आने वाले हैं और बहुत सारे बैच हमारे रनिंग है। मैं बीच में आपको इन सब बैचेस की सूचनाएं भी प्रदान करूंगा। यह करंट की 15 एपिसोड की एक बृहद श्रृंखला है, जिसके कुछ एपिसोड आप सभी सदस्यों के लिए पब्लिक किए जा रहे हैं, जिससे आपको बोध हो सके कि वास्तव में कैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। आइए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज की श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले पहले इसके इंडेक्स पर एक नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले साहित्य एवं पत्रकारिता के पुरस्कारों को लिया गया है, फिर राष्ट्रीय पुरस्कारों को लिया गया है, इसके बाद अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को ले लिया गया है, आगे बढ़ने पर फिल्म पुरस्कारों को ले लिया गया है और खेल पुरस्कारों को ले लिया गया है। लगभग 34 पुरस्कार जो 15 मार्च तक के हैं और पिछले 18 महीने के हैं, उन सबको इसमें कवर कर लिया गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि पुरस्कारों का जो प्रश्न आपके एक या दो पूछे जाते हैं वो इससे बाहर आपके नहीं होंगे। आपको किसी मैगजीन या किसी नोट्स की इसके अलावा आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स में हमेशा मैं आपको समझाता हूं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत बेटा नहीं होती, बहुत सीमित पढ़ना है, क्योंकि करंट अपार है। आप बहुत ज्यादा एपिसोड पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम ऑलरेडी इतना बड़ा है। किसी परीक्षा को जब आप देने जा रहे हैं तो करंट को बहुत सीमित दायरे में हमें पढ़ना है। अगर हम किसी पुरस्कार को भी पढ़ रहे हैं तो पुरस्कार से भी आपको ये बोध होना चाहिए कि बहुत स्पेसिफिक नॉलेज आप लोगों से पूछी जाती है। तो जैसे आज हम लोग आज की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि इसी के आधार पर और इसी तरीके से आपको पुरस्कार पढ़ने हैं, और कोई प्रश्न आप मिला लीजिएगा, इस श्रृंखला से आपका बाहर नहीं होगा। आइए हम लोग साहित्य एवं पत्रकारिता से इन पुरस्कारों की शुरुआत करते हैं। पुरस्कारों में मैं एक चीज आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं कि कभी भी डेट्स नहीं पूछी जाती, तो आपको डेट्स याद नहीं रखनी है। बाकी जो याद रखने की चीजें होंगी मैं अंडरलाइन आपको करता चलूंगा, उन्हीं चीजों का आपको बोध याद रखना है, वही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला आपका पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 20 भारतीय भाषाओं में, आपको याद रखना है, 20 भारतीय भाषाओं में प्रदान किए गए, ठीक है। जिनमें अगर हम लोग देखें तो 7 कविता संग्रह है, 4 उपन्यास है, 5 कहानी संग्रह है, 2 नाटक हैं, 1-1 संस्मरण और महाकाव्य के लिए पुरस्कार घोषित किए गए। तो इसमें आपको ये बिंदु याद रखना है कि कितनी भाषाओं के लिए दिए गए, 20 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए। अब पुरस्कार आपको केवल हिंदी और अंग्रेजी का ही याद रखना है, अनावश्यक सूचनाओं का संग्रह आपको नहीं करना है। तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आप देख लीजिए, हिंदी के लिए पुरस्कार अनामिका जी को दिया गया और अंग्रेजी के लिए यह पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। यहां पर अरुंधति राय नहीं है, अरुंधति सुब्रमण्यम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जब किसी को पुरस्कार मिलता है तो उसकी जो प्रमुख कृतियां होती हैं वो पुस्तकों में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अनामिका जी की जो प्रमुख कृति है, टोकरी में दिगंता, थेरी गाथा 2014 इनका कविता संग्रह है, और अरुंधति सुब्रमण्यम जी की जो कृति है When God is a Traveler, है ना, ये गैर काल्पनिक कथा है, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनको पुरस्कार मिला है। तो आपको ये कृतियां भी याद रखनी है। साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, है ना, डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इतनी चीज आपको साहित्य अकादमी पुरस्कारों में बोध रखनी है, याद रखनी है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं हो कि आप 20 भाषाओं के पुरस्कारों को याद करें, नहीं, आप पिछले 10 वर्षों के पेपर उठा के देख लीजिए, जो चीजें पूछी जाती हैं वही चीजें आपसे पुरस्कारों में पूछी जाती है। अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ लेते हैं,
मैन बुकर पुरस्कार 2020 19 नवंबर 2020 को, मैं पहले कह दे रहा हूं तारीख याद नहीं रखनी है, न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को, तो किसको मिला है बेटा ये डगलस स्टुअर्ट को मिला है, इनको याद रखना है और इनके देश का नाम याद रखना है, स्कॉटलैंड के है ना। डगलस स्टुअर्ट को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें पुरस्कार उनके उपन्यास सग्गी बेन, अब इस उपन्यास का नाम आपको याद रखना है, सग्गी बेन के लिए प्रदान किया गया। इस उपन्यास या किस पर आधारित उपन्यास है, इसकी विषय वस्तु क्या है, यह उपन्यास वर्ष 1980 के थेचर्स ग्लास्को में आगे बढ़ रहे एक युवक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, वर्ण सुगर, मैन बुकर पुरस्कार की दौड़ में शामिल नहीं। तो भारत की तरफ से अवनी दोषी जी शामिल नहीं, वर्ल्ड सुगर इनकी पुस्तक का नाम था, लेकिन ये बाहर हो गई। यह उपन्यास 1980 के दशक में ग्लास्को के एक युवक के संघर्ष की कहानियों पर आधारित है, जिसका नाम है सग्गी बेन। स्टुअर्ट डगलस जी को यह पुरस्कार मिला है, जो स्कॉटलैंड के निवासी हैं। इतना आपको इसमें बेटा याद रखना है। अगले पुरस्कार की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020। टाइम मैगजीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। देखिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर है ना, टाइम मैगजीन जिसको पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है, यह हमेशा आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति है अमेरिका के जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है जो है कमला हैरिस, उनको संयुक्त रूप से इस बार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगर हम चौथे पुरस्कार की तरफ बढ़े, पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार का प्रारंभ 1917 में किया गया था, जोसेफ पुलित्जर है ना के नाम से दिए जाते हैं। यह पेशे से एक बड़े अच्छे पत्रकार थे। कोविड महामारी के बीच में इस बार इस पुरस्कार को कुछ देरी से दिया गया, लेकिन इस पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। अब आपको अलग अलग जो है श्रेणियों में इन पुरस्कारों को पूछा जाता है। मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो लगभग 12 से 13 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन 5 श्रेणियां केवल आपको याद रखनी है। जनसेवा के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया, द एंकोरेज डेली न्यूज विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रो पब्लिका, इसको दिया गया जनसेवा के लिए। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए द कोरियर जनरल का जो स्टाफ है उसको दिया गया। हाँ, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जिसको आप खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं, कभी कभी आपको मैगजीन में खोजी पत्रकारिता ये देखेगा, विरियान एम रोंजेथल को दिया गया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए राइटर्स का फोटोग्राफी जो स्टाफ है उसको दिया गया है ना, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए। फीचर फोटोग्राफी के लिए इस बार भारतीयों को भी पुरस्कार मिला है, चन्नी आनंद, मुख्तार खान, बदार यासिन, ये एसोसिएटेड प्रेस से है। ये खास बात आप इसमें देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को सर्वाधिक 3 पुरस्कार पत्रकारिता के लिए मिले हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक पत्रकारिता की जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस मैगजीन को प्रदान किए गए, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस बार इसमें भारत का प्रतिनिधित्व है फीचर फोटोग्राफी में, इसलिए यह पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। फीचर फोटोग्राफी में जब 370 धारा को हटाया गया तो कश्मीर के जो हालात थे, सेना किस तरीके से वहां पर कार्य कर रही थी, आमजन किस तरीके से वहां पर कार्य कर रहा था, उसकी फीचर फोटोग्राफी जब उन्होंने की तो उस विषय के लिए इनको यह पुरस्कार दिए गए। तो ये आपका पुलित्जर पुरस्कार है 2020 का, जिसको आपको इन 6 श्रेणियों में याद रखना है। छठवीं कोई श्रेणी नहीं है बल्कि एक नोट के रूप में है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को सर्वाधिक 3 पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिले हैं। आइए 29वां सरस्वती सम्मान। जब भी आप इस तरीके के साहित्य पुरस्कारों को याद रखते हैं तो आपको क्रम भी याद रखना होता है, कभी कभी क्रम से पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी वर्ष से पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूजन होता है। तो जब भी ऐसा कोई पुरस्कार साहित्य का आप याद करें तो एक पहले के क्रम को जरूर देखें, क्रम से भी उसको याद करें। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 29वें सरस्वती सम्मान की, तो 29वां सरस्वती सम्मान 2019 का है ना, तो देखिए सन से क्लियर हो जाएगा। 29वां 19 में दिया गया किसको, वासुदेव माही को, और अभी तक ये सबसे लेटेस्ट है, ठीक है, वासुदेव मोही को दिया गया। ये सिंधी साहित्यकार है और यह पुरस्कार इनको इनकी लघु कथा चेकबुक के लिए प्रदान किया गया है ना। तो इनकी जो रचना है वो कौन सी है बताइए बेटा, चेकबुक, ठीक है, चेकबुक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, शिवा रेड्डी 2018 का जो 28वां पुरस्कार था वो शिवा रेड्डी को दिया गया। तेलुगु कवि है और इनका कविता जो संग्रह है वो है पक्की उत्ती गिलते,
पक्की उल्टी गिनती के लिए इनको 28वां मिला था, तो जो सबसे लेटेस्ट है वो 29वां है। लेकिन क्रम में कभी भी एक वर्ष पहले का भी पूछ लिया जाता है, या दो नाम जब एक साथ आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो दोनों को आपको यहां पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2 अगस्त 2019 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2019 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई। अब इस बार रेमन मैक्सेसे पुरस्कार में रवीश कुमार भी शामिल थे, एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर हैं आप जानते हैं, इसलिए यह पुरस्कार आप लोगों के लिए इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण है और लेटेस्ट है, इसके बाद कोई भी दिया नहीं गया है। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसके डिटेल को ले लेते हैं, किस किस को मिला है। देखिए, जब भारतीय कोई इसमें शामिल है तो आपसे इसमें पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन रेमन पुरस्कार विजेताओं, रेमन मैक्सेसे पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल नहीं है। जब 4 या 5 नाम होते हैं तो 4 या 5 नामों को याद करना आपके लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि रवीश कुमार को मिला है भारत से, है ना। रेमुंडे पुनजाते के भी आपको मिला है, आपका फिलीपींस के हैं, ये फिलीपींस से मिला है। किम जोंग की को मिला है दक्षिण कोरिया से, हाँ। कोशियो विन को मिला है म्यांमार से, और अंखाना नीलपाय जीत को मिला है थाईलैंड से। क्लियर है, हाँ। ये 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जाता है निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो मान लीजिए जैसे जब विकल्प ना, तो 4 नाम दे दिए और 1 नाम बदल दिए, 1 नाम कोई दूसरा दे दिए, तो यहां पर कंफ्यूजन की गुंजाइश होती है। तो 5 व्यक्तियों के नाम भी आपको याद रखने हैं, और 5 व्यक्तियों के नाम के साथ साथ उनके देश के नाम भी आपको याद रखने हैं। मैं बता दे रहा हूं, ये दोनों ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, मिलान करने के लिए आ जाती हैं। तो आपको नाम याद रखना है, उनके देश का नाम याद रखना है, ये डिटेल याद रखना है। और इसमें भी ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें रवीश कुमार जी भारत से शामिल है, ठीक है। देखिए, विषय इनको जब पुरस्कार दिया गया तो विषय क्या था, आवाजहीन को आवाज देने के लिए पत्रकारिता का सहारा, है ना। मतलब आवाजहीन को, इनसे इनको मानवीय पत्रकारिता के लिए पुरस्कार दिया गया, आवाजहीन को आवाज देने के विषय में इनको पुरस्कार दिया गया था रवीश कुमार जी को। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब देखिए 55वां याद रखिएगा तो 54वां भी याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो देखिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया, अक्कीतम अच्युतनंदन नंबूथिरी को दिया गया, है ना। हाँ, ये नाम थोड़े से कठिन होते हैं भाई, अब ऐसे हिंदी भाषी नाम तो है नहीं कि हम लोग खट से पढ़ लें, जैसे रमेश सुरेश दिनेश, ऐसी नहीं है ना, ये कठिन नाम है, योग्य व्यक्ति हैं सब, और पूरे देश के प्रतिनिधित्व इसमें होता है। तो नाम आप थोड़ा सा अच्छे से 3 बार अगर पढ़ लेंगे और लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, तो अक्कीतम अच्युतन नंबूथिरी ये मलयाली भी कवि हैं, इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं उन्नी नंबूदीरी, योग सेमम और मंगलादयम, इसके संपादक हैं। तो देखो, जब मैंने कहा किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है तो उससे जुड़ी हुई रचनाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और वो रचनाएं जो कहीं ना कहीं पुरस्कृत हों या बहुत पढ़ी गई हों, तो आप याद रखिएगा इनकी रचना है। 2018 में 54वां पुरस्कार मिला था अमिताभ घोष जी को, ये अंग्रेजी लेखक हैं और ये पहले अंग्रेजी लेखक हैं जिनको यह पुरस्कार मिला था, इससे पहले कभी भी किसी अंग्रेजी लेखक को यह पुरस्कार नहीं मिला था, है ना। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, द सर्किल ऑफ रीजन, इन एन एंटिक लैंड, द कलकत्ता क्रोमोसोम, में बंगाल से आते हैं, इनकी पुस्तक बहुत प्रचलित है, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द शैडो लाइंस, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, द हंगरी टाइड, द ग्लास पैलेस इत्यादि, है ना। एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछी जाएंगी, पहली 2 आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है आपके लिए। आइए 8वां 29वां व्यास सम्मान नासरा शर्मा जी को मिला है, उनके उपन्यास कागज के नाव के लिए, है ना, ये कागज के नाव के लिए मिला है नासरा शर्मा जी। अब राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, पद्म पुरस्कार, ठीक है, यही से शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों को। 25 जनवरी की शाम को घोषणा हुई और 26 जनवरी को प्रदान किए गए। हमेशा ध्यान रखिएगा, पद्म पुरस्कार जब दिए जाते हैं तो पद्म पुरस्कारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, सबका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पद्म पुरस्कारों में जो पद्म विभूषण होता है, जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका पद्म विभूषण है ना।
तो पद्म विभूषण जब होता है तो पद्म विभूषण हमेशा कुछ ही लोगों को दिया जाता है। तो पद्म विभूषण जिन लोगों को दिया जाता है उनके नाम याद रखना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन ऐसा है जिसको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया या तो नहीं दिया गया। तो तीन पद्म विभूषण लोगों के नाम दे दिए जाएंगे और एक पद्म श्री का नाम दे दिया जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सब याद नहीं रखना है, संख्यात्मक मान याद रखना है किसको कितना मिला, और फिर आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला। आइए देखते हैं, 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 119 व्यक्तियों को इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की। तो अब देखो टोटल बेटा याद रख लेना है, टोटल कितने थे 119। अब इस 119 का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, है ना, 7 पद्म विभूषण है, क्लियर, 10 पद्मश्री है ना, नहीं 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री है। ठीक है, ये पद्म विभूषण, ये पद्म भूषण और ये पद्मश्री, टोटल कितने हो गए 119। अब सबको याद नहीं रखना है, केवल इन 7 को याद रखना है जिन्होंने दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया है। तो ये 7 कौन कौन से हैं, उन्हीं को यहां पे लिखा गया है। तो सबसे पहले अब क्या क्या याद रखना है, नाम याद रखना है बेटा और उनके देश का नाम याद रखना है। अगर सीधे विकल्प पूछा गया तो नाम पूछा जाएगा, और मिलान करने के लिए पूछा गया तो देश के नाम के साथ आपसे पूछ लिया जाएगा। शिंजो आबे जनसेवा के लिए मिला है, जापान से है। एसपी बाला सुब्रमण्यम इनको मरणोपरांत मिला है, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से है। डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में कर्नाटक से है। नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूएसए से है। मौलाना वहीद्दीन खान अध्यात्मकता के लिए ये दिल्ली से है। वीवी लाल ये पुरातत्व आर्कोलॉजी का, हाँ आर्कोलॉजी से संबंध रखते हैं, भी दिल्ली से है। और सुदर्शन साहू एक कला से है, उड़ीसा से है, है ना। तो कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है बेटा, 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है, इनको और इनको, इन 7 में से 2 लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। ये 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, टोटल 119 लोगों को मिला है। क्रम और संख्या आपको याद रखनी है, बाकी इन 7 के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। इनके क्षेत्र भी आप एक बार मनन कर लीजिए किसको किस क्षेत्र में मिला है। आइए भारत रत्न 25 जनवरी 2019 ये लेटेस्ट है, इसके बाद नहीं दिया गया है, और ये 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 3 लोगों के आपको राज्य याद रखने और उनके क्षेत्र याद रखने हैं। सबसे पहले नानाजी देशमुख को दिया गया था मरणोपरांत, ठीक है। डॉक्टर भूपेन हजारिका को दिया गया था, इनके नाम में असम में एक सेतु का भी उद्घाटन किया गया, उसको भी याद रखना है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। और भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भी ये पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न प्रदान किए जाने की घोषणा की थी। तीनों के क्षेत्र में आपको यहां पे बता देता हूं, नानाजी देशमुख जो है ना, वो प्रसिद्ध समाजसेवी एवं भारतीय जनसंघ के नेता थे। भूपेन हजारिका जी जो थे वो भारत और असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, फिल्म निर्माता थे, लेखक थे, गीतकार थे, संगीतकार और गायक थे। और प्रणब मुखर्जी वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक भारत के 13वें महामहिम थे, राष्ट्रपति थे। तो इन 3 लोगों को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है, ये सबसे लेटेस्ट है, और उसके बाद कोई घोषणा नहीं हुई है। मांग चल रही है, बहुत सारे लोगों के नाम भी आगे आ रहे हैं, और थोड़ा सा पुरस्कार भी अब जो है पॉलिटिकल कारणों से भी थोड़ा सा लेट होते हैं, क्योंकि किस राज्य का प्रतिनिधित्व मिला, किस राज्य को दिया गया, चुनाव का नफा नुकसान भी देखना होता है, इसलिए पुरस्कारों की घोषणा में भी कभी कभी देरी हो जाती है ना। तो ये इस कारण भी इस पुरस्कार इस बार लेट आपके हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को यह पुरस्कार मिला है। सेल के बारे में आप जान लीजिए, भारत में सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन करने वाली ये कंपनी है ना, सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन करने वाली ये कंपनी है। लगभग 68,742 यहां पर क्या है आपका कर्मचारी काम करते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 19 जनवरी 1954 को हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार क्यों दिया जाता है, जब आप बिजनेस करते हैं, जब आप उद्योग को बढ़ाते हैं, तो उसके साथ आप पर्यावरण का कितना ध्यान रख रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने के मामले में आपकी कितनी सहयोगिता है, कितना संरक्षण का आप ध्यान रख रहे हैं, इस चीज में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को दिया गया है। ख्याल रखिएगा, इसकी स्थापना भी आपसे कई बार पूछी गई है, 19 जनवरी 1954 को। इसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
फेमिना मिस इंडिया 2020 10 फरवरी 2021 को 87वें फेमिना मिस इंडिया 2020 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हयात रिजेंसी होटल मुंबई में संपन्न हुआ। तेलंगाना की मानसा वाराणसी, देखिए इनका जो सरनेम है ये वाराणसी है, चूंकि ये यूपी को रिप्रेजेंट करता है इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि यूपी की है नहीं, है ना। इनका नाम है मानसा वाराणसी और ये कहां की है, तेलंगाना की है, इसको आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही, ठीक है, फर्स्ट रनर अप रही। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21, भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार 2020-21 के लिए प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और उनकी छोटी बहन, लता जी की सबसे छोटी बहन उषा मंगेशकर जी को दिया गया है, उषा मंगेशकर जी को दिया गया है। राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया गया है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। तो किसको मिला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मिला है, किसके द्वारा दिया गया है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रतिष्ठित राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, याद रखना है बेटा, ठीक है। स्वच्छ भारत पुरस्कार, राज्यों को आपको याद रखना है, तीन राज्यों को, 2 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया तथा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए यह पुरस्कार गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा तीन श्रेणियों को बस आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए पुरस्कार गुजरात सरकार को मिला है। सामुदायिक शिक्षा अभियान के लिए पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, जरूर याद रख लीजिएगा, आपसे इंपोर्टेंट है। और गंदगी मुक्त भारत अभियान के लिए पुरस्कार तेलंगाना को मिला है ना, ये तीन श्रेणियां ही आपको याद रखनी है, तीन श्रेणियां ही आप लोगों से पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 भारत सरकार के नवरत्न एनसीआई, भारत सरकार के नवरत्न एनसीआई इंडिया लिमिटेड को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पहली रैंक, थर्मल पावर स्टेशन द्वितीय रैंक और माइंस सब स्टोर्स तृतीय रैंक, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित तीन इकाइयों को स्वच्छ सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इतना डिटेल वैसे आपसे बेटा नहीं पूछा जाएगा, अगर आप पीसीएस का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो कथन कारक में ये डिटेल पूछा जा सकता है। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा, किसको दिया गया, एनसीआई को दिया गया, इतना आपको याद इसमें रखना है। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2019, चूंकि 19 के बाद मिला नहीं, अगली घोषणा नहीं हुई, इसलिए आपके लिए जरूरी है। मनमोहन सिंह जी ने दिया है, किसको, प्रसिद्ध प्रकृतिवादी और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को, है ना, 7 सितंबर 2020 को दिया गया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ऑनलाइन समारोह में उन्हें सम्मान दिया, क्योंकि कोविड के कारण आप जान रहे थे कि पिछले साल के जितने भी समारोह हैं वो मुख्यतः ऑनलाइन ही आपके हुए हैं। आइए चलिए, अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर आने से पहले मैं संस्था में संचालित हो रहे बैचों और संचालित होने वाले बैचेस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी प्रदान कर देता हूं, जो संस्था की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हैं, थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान दे लीजिए। और जरूरी है कि ये सभी चीजें जो है, देखिए अप्रैल आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अवसर लेके आ रहा है, आरओईआरओ यूपीटेट पीईटी, है ना, मैथ्स रीजनिंग के इंडिविजुअल बैच, ये सभी बैच आपके अप्रैल में आएंगे, यूपीएसआई टीजीटी पीजीटी और एसटेट आपके रनिंग बैच है। मैं तारीखें भी आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं, देखिए संस्थान ने पिछले समय में एक वर्ष में 5000 से अधिक सिलेक्शन ऑनलाइन दिए हैं, 5000 से अधिक सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्था है टारगेट भी ताल्लुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। हमारा अनुशासन प्रतिबद्धता ही हमारी पहचान है, आप लोगों ने बैचेज में देखा होगा, पीसीएस में बीओ में सुपरटेट में हमने रिकॉर्ड सिलेक्शन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से दिए हैं, ठीक है। तो आप सबसे उत्कृष्ट संस्थान से जुड़ सकते हैं, जो लोग आगे तैयारी के लिए सोच रहे हैं मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि कहां पर आपको, कहां पर कौन से बैच आपके आ रहे हैं, ठीक है। देखिए आरओईआरओ का फाउंडेशन बैच बेटा 6 अप्रैल से शुरू होगा, अगर आरओईआरओ की तैयारी करनी है तो आप 6 अप्रैल का इंतजार कर लीजिए। यूपी टेट फाउंडेशन बैच आपका 13 अप्रैल से शुरू होगा, पीईटी फाउंडेशन बैच आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए पीईटी अनिवार्य होने जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, पीईटी का फाउंडेशन बैच 20 अप्रैल से होगा और इंडिविजुअल मैथ और इंडिविजुअल के जो आपके बैच हैं वो 25 अप्रैल से आपके शुरू होंगे, जिन्हें मैथ और रीजनिंग स्पेशल केवल करना है, ठीक है। तो ये आने वाले बैचेज की आपकी सूचना है। अभी संस्थान में
तीन बैच आपके चल रहे हैं, ये बैचेज की विशेषता है, सभी बैचेज में इतना आपको दिया जाता है। तीन बैच संस्थान में चल रहे हैं, यूपीएसआई का बैच चल रहा है, एकलव्य बैच अभी नया बैच है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके एंट्री यूपीएसआई लिखकर भेज दीजिए तो आप यूपीएसआई के बैच से जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बैच से आप जुड़ सकते हैं, इतना बड़ा बैच जितना टारगेट बेतालोग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने बनाया किसी ने नहीं बनाया। यह नंबर है आपका टीजीटी पीजीटी का, आप टीजीटी पीजीटी के बैच से जोड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप एंट्री टीजीटी पीजीटी के साथ अपना सब्जेक्ट लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। और सुपर टेट के सफलता बैच से अगर आपको जुड़ना है तो यह नंबर है। सभी बैच के निःशुल्क टेलीग्राम नीचे दिए गए हैं, आप उन निःशुल्क टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारी जरूरत की सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। तो यह बैचेज की सूचना है, यह तीन आपके रनिंग बैच है और वह आपके आने वाले बैच है जो मैंने आपको बताया। किसी भी समस्या के लिए आने वाले बैच से जुड़ना है, रनिंग बैच से जुड़ना है, कोई समस्या है, यह आपके काउंसलर सदस्यों के नंबर है जो संस्थान ने आप लोगों के लिए जिनको नियुक्त किया है कि वो आपकी बातें सुने, आपको जानकारियां दें। इन नंबरों पर आप प्रातः 10 बजे से लेके है ना शाम को 7 बजे तक आप कॉल करके इन नंबरों पर आप जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं है, आप कॉल करिए, अपनी बातें पूछिए, कोई भी जानकारी आपको बैच से संबंधित लेती हो या बैच में आपको प्रवेश लेना हो। आइए हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, ठीक है, संयुक्त रूप से। आपको देश और इनके विषय को याद रखना है ना, देश और विषय को याद रखना है। तो हाँ, तो सबसे पहले विलियम हार्वे जी अल्टर, ये अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिका के हैं, और माइकल हॉटन ये ब्रिटेन के हैं। इन तीनों को दिया गया और विषय जो है किस विषय के लिए दिया गया है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको चिकित्सा विज्ञान का पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2020 का। क्लियर है, आगे देखते हैं। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को आप लोग देख लीजिए, रोजर पेनरोज को ब्रिटेन के हैं, हाँ रिनहार्ड गेंजेल ये जर्मनी के हैं, एंड्रिया गेजी अमेरिका की है। इनको ब्लैक होल निर्माण के लिए, आधुनिक थ्योरी का पता लगाने के लिए, इनको ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए और इनको भी ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए, यह दो संयुक्त रूप से एक ही शोध का हिस्सा है। तो इनको एक विषय के लिए दिया गया है और इनको अलग विषय के लिए दिया गया है, जो आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान का जेनिफर ये डॉर्ना अमेरिका की है, और इमैनुअल सारपेंटिये फ्रांस के हैं, ये अमेरिका की है, और इनको दिया गया है जीनोम, इनके विषय थे जीनोम एडिटिंग की एक रीति विकसित करने के लिए दिया गया है इनको पुरस्कार। यही लोग ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे मानव सभ्यता आगे बढ़ रही है, इतना शोध इतनी मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट निकालते हैं जो इस मानव सभ्यता के लिए बहुत जरूरी होते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की भूख निवारण एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को दिया गया है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार एक संगठन को दिया गया है, कार्यक्रम को दिया गया है, क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पॉल आर मिलग्रोम को दिया गया है, रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया है, ये दोनों लोग कहां के थे, अमेरिका के थे, ठीक है। नीलामी सिद्धांतों की खोज के लिए, नए नीलामी सिद्धांतों की खोज के लिए पुरस्कार इनको प्रदान किए गए, यहां पर विषय नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, नए नीलामी सिद्धांतों की आधुनिक खोज के लिए और बेहतर करने के लिए पुरस्कार इनको दिए गए हैं। साहित्य लुइस ग्लुक को दिया गया है अमेरिका, काव्यात्मक आवाज के लिए प्रदान किया गया है, लुइस ग्लुक अमेरिका के, इनको काव्यात्मक आवाज के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है साहित्य का। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार वार्की फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, पिछली बार का है पुरस्कार केन्या के शिक्षक पीटर तविची को दिया गया था, है ना, इस बार यह पुरस्कार भारत के शिक्षक को दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी में पढ़ाने वाले शिक्षक को दिया गया है, शिक्षक के साथ अगर आपने मानव सभ्यता के लिए उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जाके किया है, उन कार्यों के लिए, उन कार्यों की श्रेणी के लिए, उन संघर्षों के लिए, है ना, और समाज के सामने एक नया रास्ता दिखाने के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है उत्कृष्ट शिक्षक को, और भारत में भी ऐसे उत्कृष्ट शिक्षक हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 3 दिसंबर 2020 को वार्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की घोषणा लंदन यूके में की गई, इस बार यह पुरस्कार भारत महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को प्रदान किया गया है ना,
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है ना, एवं देश में त्वरित कार्रवाई क्यूआर कोड वाली पाठ्य पुस्तक क्रांति में महती प्रयास के लिए उन्हें इस पुरस्कार को चुना गया। तो बालिका शिक्षा और क्यूआर कोड, त्वरित पढ़ाई के लिए क्यूआर कोड वाली व्यवस्था के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। ये किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है बेटा, है ना। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार हम सभी लोगों के लिए गौरवान्वित होने की बात है। आइए, एबेल पुरस्कार, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार हाल ही में हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग को दिया गया, ये यरूशलम की है, और ग्रेगरी मार्गुलिस अमेरिका को जो है गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है ना, ये अमेरिका की है बेटा और ये यरूशलम की है, संयुक्त रूप से दिया गया है। यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसको हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। आइए, प्रतिजगर वास्तुकला पुरस्कार 2020 है ना, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है ना। बालाकृष्णन दोषी को भारत की तरफ से दिया गया था 2 वर्ष पहले, इस बार ये यवोनी फेरेल एवं सैली मैकनमारा को दिया गया है, आयरलैंड के निवासी है। वास्तुकला के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, आपको ध्यान देना है। 22वें पुरस्कार की मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020, शोभा शेखर भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक है, शोभा शेखर जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। जितने भी पुरस्कार मैं आपको बता रहा हूं उसमें से एक भी पुरस्कार आप क्या करिएगा, छोड़िएगा मत। 34 पुरस्कारों में आपसे डिस्कस कर रहा हूं और 22 में पहुंच चुका हूं, एक भी पुरस्कार आप मत छोड़िएगा, पुरस्कार से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि थोड़ा कभी कभी मान में भूल भी हो जाती है और आपके सुझाव भी हमारे लिए आवश्यक होते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में जब मैं पढ़ा रहा था तो एक त्रुटि सुधार आप कर लीजिएगा, वहां पर जो कैसी वो रबाडा जो खिलाड़ी थे उसको मैंने मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी बताया था, जबकि वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी थे। जब खेल वाला आप उसको देखेंगे तो उसको देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो है कैसी को रबाडा है और वो खिलाड़ी जो है वो मुंबई इंडियंस के, वो गलती से मैंने मुंबई इंडियंस वहां पर बोल दिया, वहां पर पीडीएफ में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी थे। कभी भी आपके कोई भी सुझाव हो तो आप उन सुझावों को हमें दे सकते हैं, है ना, आप अपनी बात हमें कह सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक मिनट का मैं समय लूंगा, मैंने इसके लिए आपको एक तरीका भी बेटा बताया था। देखिए, ये मेरी फेसबुक आईडी है, आप इस फेसबुक आईडी पर मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं आप सभी लोगों से जुड़ना चाहता हूं। आपके सुझाव, आपकी जो बातें हैं वो हम तक पहुंचती रहे, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आप सभी के इनबॉक्स देख के जो भी आपको जीवन में जरूरत होती है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत सारे जरूरतमंद लोग होते हैं, आपके बहुत सारे सुझाव होते हैं जो आप चाहते हैं, आप मुझे प्रेषित कर सकते हैं, क्योंकि फोन नंबर देना पॉसिबल नहीं है। आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते क्योंकि लगभग मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट की सीमा को पार कर चुका हूं, लगभग 17,000 लोग इसमें मुझे फॉलो किए हैं, आप सभी लोग भी मुझसे जुड़िए। इसमें ये बात नहीं है कि मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे जैसे ही फॉलो करेंगे आप इनबॉक्स में मेरे आ जाएंगे और वहां पर से आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से सादर अनुरोध करता हूं कि आप मेरी फेसबुक से यहां से जुड़ें, आप मुझे फॉलो करें और वहां से फिर हम लोगों का एक नया सिलसिला शुरू हो, ये जीवन भर का संबंधित प्रारंभ है ना। तो आप सभी लोग यहां पर मेरे नाम से, कई लोगों ने अलग अलग आईडिया बनाई हुई है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, यह मेरी आईडी का प्रीव्यू है, रवि पी तिवारी जब आप सर्च करेंगे तो यहां पर दिखेगा और यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आराम से, है ना। तो जरूर आप मुझसे जुड़े और कभी ऐसी कोई गलतियां हो जाती हैं तो यहां पर आप उन गलतियों को मुझे बता भी सकते हैं कि सर कभी कोई मिस्टेक हो गई, किसी चीज की आपको जरूरत है। आइए, तो मैंने आपको बताया यह शोभा शेखर जी को मिला है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटा थुनबर्ग, इनका नाम अभी काफी चर्चा में रहा है, आप जानते हैं ग्रेटा थुनबर्ग को गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने वाली स्कूली छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए वर्ष 2020 के गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, आइए ध्यान देना है बेटा, ठीक। 24वां मिस वर्ल्ड 2019 के बाद नहीं हुआ है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों याद रखना है। लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 69वें संस्करण में जमैका की टोनी एंड सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में फ्रांस की ओपेली मेजी ने दूसरे और भारत की सुमन राव तीसरे स्थान पर रही। मिस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। अमेरिका के अटलांटा में दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी टुंजी ने वर्ष 2019 का 68वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता।
प्यूर्टो रिको की मेडिसन एंडरसन दूसरे स्थान पर, भारत की ओर से वर्तिका सिंह ने भाग लिया और ये किसी भी स्थान पर फिलहाल नहीं रही। ठीक है, चलो फिल्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, देखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार बेटा दो है, है ना। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, पुरस्कार है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 की, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है। एक इंडिविजुअल दिया जाता है जो व्यक्ति को दिया जाता है, और एक फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। ये 20 फरवरी 2021 को मुंबई में आयोजित समारोह में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 प्रदान किए गए। आप देखिए किसको मिला, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तान्हाजी को मिला है, अजय देवगन अभिनीत फिल्म थी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अनुराग बसु को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार को मिला है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दीपिका पादुकोण जी को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार स्कैम 92 को मिला है, है ना, जरूर याद रखिएगा। अब ये दादा साहब फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है जो फिल्मों को दिए जाते हैं, निर्देशकों को दिए जाते हैं, अभिनेताओं को दिए जाते हैं, अभिनेत्रियों को दिए जाते हैं। एक पुरस्कार इंडिविजुअल दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब देखिए लेटेस्ट जो है वो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो 2018 में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और इससे पहले जो 49वां पुरस्कार है वो विनोद खन्ना जी को मरणोपरांत दिया गया था। यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला फिल्म इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह दोनों पुरस्कार अलग अलग है, इनको एक साथ संबद्ध नहीं करना है और आपको ध्यान में देना है। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 एक जगह मैंने किया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हेल्लारो को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार अंधाधुंध को दिया गया है, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैडमैन को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना है, ठीक है, विक्की कौशल को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु अभिनेत्री महांति को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन उली के लिए आदित्य धर को दिया गया है। यह आपकी 66वीं फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 थे, है ना, जो आपके लेटेस्ट है, और इनको भी आपको बेटा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार भी याद रखना है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय, ये चारों पुरस्कार गली बॉय को दिए गए, उसमें बात विवाद भी हुआ था, और ये दो जोया अख्तर है, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट है ना। 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 जरूर याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट को दिया गया है, ठीक है ना, सर्वोच्च सम्मान पहले वाली पहली विदेशी फिल्म है पैरासाइट, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी पैरासाइट के लिए बांग जून को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोकर के लिए जोकिन फिनिक्स को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हाँ जूडी गार्लैंड को दिया गया है रेनी जेलवेकर के लिए, है ना, जूडी गार्लैंड मूवी के लिए रेनी जेलवेकर को दिया गया है। खेल पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, 5 लोगों को ये मिला है ना, जब घोषणा हुई थी रोहित शर्मा जी को क्रिकेट के लिए मिला है, हाँ मरियप्पन थंगावेलु को पैरा एथलेटिक्स के लिए, ऊंची कूद के लिए मिला है, मनका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए मिला है, बेटा इनका जरूर याद रखिएगा, है ना, कौन किससे संबंधित किस खेल से संबंधित, दिनेश फोगाट को कुश्ती के लिए मिला है, और रानी रामपाल को हॉकी के लिए मिला है, ठीक है। 29 अगस्त 2020 को यह घोषणा की गई थी, 5 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान हुए हैं, यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। आईसीसी के दशक अवार्ड जो है दिए गए हैं, है ना, आईसीसी के दशक अवार्ड में मेल क्रिकेटर ऑफ द दशक का अवार्ड है ना किसको दिया गया है, विराट कोहली को दिया गया है। अब मैं आपको और बता दूं, दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी का जो है अवार्ड है वो स्टीव स्मिथ को मिला है, दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, विराट कोहली को मिला है, और T20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो किसको मिला है बताइए, वो मिला है राशिद खान को। 3 अवार्ड आपको याद रखने हैं, टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्टीव स्मिथ दशक का, वनडे का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एक दिवसीय मैचों का विराट कोहली को मिला है, दशक का अवार्ड कह रहा हूं, है ना, और T20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला है, राशिद खान अफगानिस्तान को मिला है। सर्वश्रेष्ठ दशक की महिला क्रिकेटर का अवार्ड एलिस पेरी को मिला है जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। हाँ, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम
23 अगस्त 1920 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने तीन पूर्व क्रिकेटरों को दक्षिण अफ्रीका के जैक स्केलिस, पाकिस्तान के जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता महिला क्रिकेटर लिसा स्थालेकर को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किए जाने की घोषणा की। दो पुरुष और एक महिला क्रिकेटर है। जैक स्केलिस है बहुत महान ऑलराउंडर रहे हैं, जहीर अब्बास भी बड़े खिलाड़ी रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप विजेता की महिला क्रिकेटर लिसा स्थालेकर को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किए जाने की घोषणा की है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 है ना, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है। मेंस प्लेयर अवार्ड जो है वो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है, पोलैंड के हैं, ठीक है। वीमेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड लूसी ब्रांच को दिया गया है, इंग्लैंड की है, मैनचेस्टर सिटी से खेलती है, वहां बायर्न म्यूनिख से खेलते हैं। मेंस गोलकीपर का अवार्ड मैनुअल न्यूअर को दिया गया है, जर्मनी के, और वीमेंस गोलकीपर का अवार्ड सराह बुद्दाही को दिया गया है, फ्रांस के। ये चार, तो ये 34 हम लोगों ने अवार्ड यहां पर डिस्कस किए हैं जो आपके लिए जरूरी थे। और यहां पर मैं आपसे वादा करता हूं कि पुरस्कारों का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। होली का समय आ रहा है लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण परीक्षाओं का भी समय है, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल भी प्रभावित मत करिएगा। जिन लोगों को जूनियर एडिट की परीक्षा देनी है 18 अप्रैल को, वो कतई अपनी पढ़ाई लिखाई में डिस्ट्रैक्ट ना हो। इस होली को आप नहीं खेलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे वाली होली को बहुत अच्छा करने के लिए इस बार आपको बहुत संयमित होकर मेहनत करने की जरूरत। आज मेरी तरफ से इतना ही, जल्द ही अपने अगले एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। संस्थान के द्वारा यह करंट अफेयर्स की और यूपी स्पेशल की करीब 25 वीडियो की सीरीज है जिसके कुछ ही वीडियो सभी लोगों को पब्लिक दिए जा रहे हैं, बाकी 12-13 वीडियो ऐसे हैं जो बैच में ही केवल जाएंगे, है ना। 5 तारीख से रट लो श्रृंखला के माध्यम से और करंट की प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप लाभान्वित हो सके। सभी लोगों को कुछ ना कुछ संस्थान की तरफ से हमेशा दिया जाता रहेगा। जल्दी मैं अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। लव यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ त्योहार मनाइए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक और जरूरी सूचना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए तो हमारे टेलीग्राम लिंक्स हैं, आप उन निःशुल्क टेलीग्राम लिंक्स को ज्वाइन कर लेंगे तो इसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।